हेलो फ्रेंड, सो आज की इस वीडियो में हम ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में देखेंगे जो मॉडल नंबर है KBPC 3510। ठीक है, ये 35 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर होता है। बेसिकली ये थोड़े बड़े पावर सप्लाई में यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली माउंट टाइप का होता है, तो आप कहीं भी इसको रख के मेटल पे माउंट कर सकते हैं। अब इसमें कैसे चेक करेंगे कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नॉट वर्किंग कंडीशन में है? ठीक है, तो सबसे पहले इसके पिनआउट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड आपको लिखा रहेगा, एक साइड ये पॉजिटिव लिखा रहेगा और एक साइड एसी लिखा रहेगा। तो इसमें जो पिन आउट होता है कैसे होता है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे पॉजिटिव इस साइड है तो निगेटिव इस साइड होगा और एसी इस साइड है तो एसी इस साइड होगा। इस साइड आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, वो इसमें जो भी होगा क्रॉस सेक्शन होगा। अगर पॉजिटिव इस साइड है तो निगेटिव इस साइड होगा, एसी इस साइड है तो एसी इस साइड होगा, तो क्रॉस सेक्शनल ही होगा। ठीक है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन होगा, जो भी आपका कॉम्पोनेंट का पिन आउट होगा क्रॉस सेक्शन होगा। तो अब आइए इसको हम चेक करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए, आप एसी सप्लाई देंगे, यहाँ एसी सप्लाई देंगे, मतलब यहाँ पर सपोज लाइट देंगे, यहाँ न्यूट्रल देंगे और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो अब इसी अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं। आइए इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीमीटर को डायोड मोड में डालना पड़ेगा। उसके बाद इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, इस कॉन्फ़िगरेशन देख के आपको कहाँ पॉजिटिव कनेक्ट करना है, कहाँ निगेटिव कनेक्ट करना है, वो आपको पता चल जाएगा। तो सपोज करते हैं, जैसे मैंने AC1, तो यहाँ पर दो टर्मिनल है AC1 का, जैसे ये भी है और ये भी है। तो हालांकि आपका AC पे पॉजिटिव ही लगा हुआ, इधर भी पॉजिटिव लगा हुआ, इधर भी पॉजिटिव लगा हुआ, तो हम पॉजिटिव लीड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव में कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव में आपका निगेटिव वाला कनेक्टेड है तो हम लगा देते हैं। तो आपको 0.6 के आसपास मिलेगा, यहाँ पर 629 है लेकिन बाकी मल्टीमीटर में आपको 0.6 के आसपास मिलेगा, मतलब ये ओके है। ठीक है, अब उसके बाद AC2 से, ठीक है, तो जैसे AC2 से हमने चेक कर लिया, अब उसके बाद AC1 से, तो AC1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका पॉजिटिव पे कनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पे आया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आपका 607 के आसपास आ रहा, मतलब ये भी ओके है। आपने ये दोनों डायोड को तो टेस्ट कर लिया, अब इन दोनों डायोड को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एसी सप्लाई है उस पर निगेटिव था, यहाँ भी एसी सप्लाई पे निगेटिव था, तो हम आराम से किसी भी एसी पॉइंट पे हम निगेटिव रख देते हैं। तो मैंने एसी पॉइंट पे निगेटिव रख लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपका निगेटिव पे पॉजिटिव रखना है। तो जब पॉजिटिव ये था तो निगेटिव ये होगा, तो आप देखिए आपका 610 के आसपास आ गया, मतलब ये डायोड भी ओके है। अब उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, तो आप एसी सप्लाई इसको ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये कहाँ है, निगेटिव पॉइंट पे। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव ये था तो निगेटिव ये होगा, तो आप देखिए आपका 598 के आसपास आ गया, मतलब ये डायोड भी ओके है। ठीक है, नया वैल्यू आ रहा है 598, 612, तो ये जितना भी वैल्यू है आपको मल्टीमीटर पे 0.6, 0.5 समथिंग शो करेगा, तो मतलब वो डायोड वर्किंग कंडीशन पे है। तो आइए इसको हम लोग सप्लाई दे के देखते हैं कि हमें डीसी मिल रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर इंसुलेशन टेप लगा दे रहा हूं ताकि ये बॉडी पे टच ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो। तो मैंने यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है दोनों एसी पॉइंट पे, इसे पे लाइव कर दिया, इस पे न्यूट्रल कर दिया है। अब आइए इन दोनों पे चेक करते हैं। ठीक है, तो आप जब भी इसको टेस्ट करेंगे तो पूरा प्रिकॉशन मेंटेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज थोड़ा ज्यादा रहेगा तो उसमें शॉक लगने का चांसेस आपको ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, प्रॉपरली इंसुलेट कीजिएगा, और जैसे 230 वोल्ट है तो उसका 90% इन दोनों पॉइंट पे आएगा। तो अब आइए इसको मेजर करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 219 वोल्ट मिल रहा है डीसी। ठीक है, यहाँ पर मैंने डीसी में रखा हुआ है मल्टीमीटर को, तो यहाँ पर मुझे डीसी 219 वोल्ट मिल रहा है। तो जब भी आप इसे करेंगे तो प्रोटेक्शन मेंटेन कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको अच्छा खासा शॉक लग सकता है। तो इस तरीका से हमने इस ब्रिज रेक्टिफायर को टेस्ट कर लिया।